हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सोया चाप स्टिक बनाने की रेसिपी की। सोया चाप स्टिक को कैसे बनाते हैं बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। ये हमारी सोयाबीन की दाल है जो हमने रात में भिगोई थी, तो इसको हम सुबह रगड़ के साफ़ कर लेंगे अच्छे से। इसमें छोटा छोटा सा छिलका रहता है, तो ये छिलका आपको हटाना है। और हमने ले ली है सोयाबीन, तो यहाँ पे हमने छोटी पैकेट मंगाई थी, दो सोयाबीन की छोटी पैकेट है जिसको हमने उबलने के लिए रख दिया है। दोस्तों, इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए उबाल देंगे अच्छे से, ये फूल जाए पूरी अच्छे से। तो इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसको खूब अच्छे से उबाल लिया है, इसमें बॉयल भी आने लगा था, तो हमने इसको निकाल लिया है। और ये हमारी दाल और सोयाबीन तैयार है। तो अब हम सोयाबीन को मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। इसका हमको बिल्कुल पेस्ट बना लेना है, बहुत ही महीन पीस लेना है, बिल्कुल दरदरा नहीं रखना है। तो ये देखिए, हमने इसको पीस लिया है, ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसको हमने मोटा नहीं पीसा है, बिल्कुल महीन महीन इसको पीसना है। इसी तरह से हम पूरी दाल पीस लेंगे और उसके बाद जो हमारी सोयाबीन होगी उसको भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। पीस के उसका भी हम पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट बनाकर इन दोनों को एक में मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से आपको भी तैयार करना है। तो ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है दाल और सोयाबीन का। अब हम इसमें मैदा मिलाएंगे। तो ये हमने एक कटोरी मैदा इसमें मिला लिया है। आप इसको गूँथ लीजिए, जैसे आप आटा गूँथती हैं उसी तरह से आपको इसको गूँथ लेना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। तो यहाँ पे हम नमक भी डाल रहे हैं, तो हमने 1 चम्मच नमक डाला है। आप यहाँ पर दाल कम भी ले सकते हैं, मैंने 2 कटोरी दाल ली थी, आप यहाँ पर 1 कटोरी दाल ले सकते हैं। मैंने 2 पैकेट सोयाबीन ली है, आप यहाँ पर 1 पैकेट भी ले सकते हैं। तो ये हम ज़्यादा बना रहे हैं, स्टोर करने के लिए हम बनाएंगे। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में आप रख सकते हैं। तो देखिए, हमारा आटा बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसको बेल लेंगे। रोटी के आकार से हमें बेलना है, जैसे हम रोटियां बनाते हैं उसी तरह से हम इसको बेलन की मदद से हल्के हल्के से बेलेंगे। आप आकार का ध्यान मत दीजिए, आप चाहे लंबा गोल कैसा भी आप बनाएं, बस ये पतली होनी चाहिए। पतला पतला हम इसको बेलेंगे तो ये आसानी से बेलते बन जाता है। तो इस तरह से आपको बेल लेना है और महीन बना लेना है। बेलने के बाद आप इसको चाकू की मदद से लंबी पीस में काट लीजिए। बहुत सिंपल तरीके से ये बन जाता है, इसको बनाने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा झंझट जरूर करना रहता है दोस्तों। और ये हमने स्टिक ले ली है और स्टिक में हम ये जो कटी हुई हमारी रोटी है, कटा हुआ पीस है, इसको हम लपेट लेंगे। तो लपेटना कैसा है, आप ऊपर से रखेंगे और पीछे की तरफ लेकर आना है आपको। तो देखिए, इसी तरह से जैसे हम बना रहे हैं इसी तरह से आपको सोया चाप स्टिक बनाकर तैयार कर लेनी है। सारी स्टिक आप बना लीजिए, ये देखिए बहुत आसानी से बन जाती है। एक एक करके हम सारी स्टिक ऐसे ही बनाएंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आगे की तरफ हम फोल्ड करते चले आएंगे घुमाते हुए थोड़ा सा। तो देखिए, हमारे सोया चाप स्टिक फटाफट से बनी जा रही है। इसको पकाने के लिए हम एक बड़े बर्तन में पानी रख देंगे। तो हमने कढ़ाई में पानी लिया है और इसको हम गैस पे रख देंगे। जब ये पानी हमारा अच्छे से उबलने लगेगा तो हम एक एक स्टिक इसी में डाल देंगे। जो हमने सोया चाप स्टिक बनाई है वो सारी इसी पानी में डाल देंगे और इसको लगभग 10 मिनट तक हम खौलने देंगे स्टिक के साथ, ताकि हमारी जो स्टिक है अच्छे से पक जाए। तो हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे, जब इसमें उबाल आने लगेगा तब हम ये स्टिक निकाल लेंगे। और दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप इस गर्म पानी से निकालकर ठंडे पानी में आपको तुरंत डालना होगा, तो इसलिए आप के पास अगर बर्फ़ है जमी हुई तो आप पानी ले लीजिए और उसी में बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए, या ठंडा पानी भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ठंडा पानी ले लिया है और ये हम उबलते हुए पानी से निकालकर डायरेक्ट ठंडे पानी में इसको डाल देंगे। और उसके बाद
दूसरे बर्तन में हम एक एक करके सारी जो हमारी सोया चाप स्टिक है सबको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमने उबलते पानी से निकाल कर डायरेक्ट ठंडे पानी में डाल लिया है और अब हम एक एक करके ये प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये हमारी जो स्टिक हैं ये इनका पानी थोड़ा सा सूख जाए और उसके बाद हम इसको किसी पॉलिथीन में करके फ्रीज़र में रख देंगे। आप जब चाहें जब आपका मन करे तब आप इसको बनाइए खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है इसकी सब्ज़ी और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। तो इसको आप लोग घर पे बना सकते हैं, बहुत सारे लोग ये मार्केट से भी मंगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से सोया चाप स्टिक घर पे बनाना सिखाया है, आप लोग इस तरह बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना दोस्तों। थैंक यू।